बीआरएस के संस्थापक व तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव नागपुर दौरे पर थे। इस दौरान बीआरएस पार्टी के पहले कार्यालय की स्थापना की गई, जिसके बाद चंद्रशेखर राव ने पत्र परिषद में संवाद साधते हुए कहा कि एक गुणात्मक और महत्वपूर्ण परिवर्तन की देश को आवश्यकता है। पत्र परिषद में चंद्रशेखर राव बोले कि राष्ट्रीय एजेंडे को बदलना होगा और साल दर साल नियमित बजट और सामान्य तरीकों और पारंपरिक सोच से कई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। आइए हम सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में बात ना करें, आइए हम अगली प्रथाओं के बारे में सोचें। देश को एक नई दिशा की जरूरत है, क्योंकि हम आजादी के 75वें साल में हैं और अभी भी बुनियादी न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोगों का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बेरोजगार और गरीब है। ऐसे देश है जो हमसे गरीब थे, लेकिन उन्होंने काफी हद तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। देश में जो होना चाहिए था इतनी लंबी समय में, वो हो नहीं पाया। एक कड़वी हकीकत है, सच है। और जो आज भी जो हो रहे हैं वो भी सही दिशा में नहीं है। सभी तबके के लोग, सभी विभाग के लोग भी नाराज है, ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी की आज की स्थिति अगर देश की देखें तो पूरी इकोनॉमी टाल मटोल हो गई है। निर्यात ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ रहा है, लाखों में इंडस्ट्रीज का क्लोजर हो रहा है। वेयर मेक इन इंडिया इज गॉन, गॉड ओनली नोस। और आयात बढ़ रही है। आयात ऐसी चीजों की जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, पर काम सही पे हो जाए। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम 1,00,000 करोड़ के ऊपर का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से भी, अब भाजपा के सरकार में भी। इसको बंद करना चाहिए 100%। हमारे किसान हैं उगा के देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। दाल भी हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी आसानी से यहाँ किया जा सकता है, उत्पादन हो सकती है, लेकिन उस पर भी सरकारों का नज़र नहीं है। उस समय से लेकर आज तक मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को आलोचना करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, माई अपील टू ऑल द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द यूथ ऑफ दिस कंट्री दैट वी नीड ए क्वालिटेटिव चेंज। वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्लोब। वेर एवर लीडर्स वेंट आउट ऑफ बॉक्स और कड़ी मेहनत करके कुछ करने का प्रयास किया है, जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर्स है, जैसे कि जापान है, ऐसे से राज्यों के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए तो जिससे हमारा जियोग्राफिकल कनेक्ट है, चीन है। इसके साथ ही राव ने वर्तमान भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चीन ने साल 1979 के बाद से लगातार उच्च विकास दर को बनाए रखा है और साल 1992 के बाद से लगातार 25 से अधिक वर्षों तक बहुत तेजी से विकास किया है। 1971 तक चीन की जीडीपी भारत से कम थी, अब ये भारत की जीडीपी का 5.5 गुना है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई बाघ और आसियान देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस आदि ने चमत्कारिक उपलब्धि हासिल की। जापान राख से उठकर एक देश बन गया, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में से एक। दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और वर्तमान राजनीतिक दल सिस्टम ने अपने केंद्रीय व्यवहार के साथ राष्ट्र को विफल कर दिया है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।